हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, गुणसूत्रों के बारे में, और क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स हम बिंदुओं को कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। जैसा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, क्रोमोसोम्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अर्थात इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और साथ साथ जानेंगे क्रोमोसोम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेन आपके गुणसूत्रों से संबंधित जो भी बातें होंगी आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपसे बोलते हैं कि जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। इसलिए वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ हम व्यूअर से ये भी चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या हैं। तो साथियों, जैसे नाम से इसकी क्लियर हो रहा है कि सूत्र का मतलब होता है धागा और गुण का मतलब होता है कैरेक्टर्स, मतलब एक ऐसा थ्रेड, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का हो, जो सूत्रवत हो, जो फिलामेंटस हो, जो धागेनुमा संरचना का हो और जो कैरेक्टर्स को कैरी करता हो, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है, और साथ साथ हम इस तरीके से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्रोमा, अगर इंग्लिश की बात करें, क्रोमोसोम कहते हैं, तो क्रोमोसोम्स, क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड सोमा मींस होता है बॉडी। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो है, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग करने पर जो सारे ऑर्गेनाइट्स होते हैं उनकी तुलना में ये जो फिलामेंट होता है, ये जो धागा होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है कलरफुल होता है। इसलिए हम रंगीन काय के नाम से जानते हैं, इसे कलरफुल बॉडी कह देते हैं गुणसूत्रों को। तो गुणसूत्र होते क्या हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग बता दिया कि ये ऐसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कैरेक्टर्स को, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती है। अब आइए देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या है, जो सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, मतलब फिलामेंटस या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम क्या है, जो अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचालित करने के लिए जाने जाते हैं। इनका जो मेन काम है, ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, इनको निर्धारित करते हैं और साथ साथ इनको संचालित, मतलब ट्रांसफर करते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो मेन इनका यही फंक्शन है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में, यानी आपका न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग होता है। तो कहां पर पाया जाता है, तो इसको भी यहां पर मेंशन किया गया है कि ये जो है आपका केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और धागेनुमा संरचना जैसा होता है, और जो वंशागत के लिए आवश्यक है। जब हेरिडिटी की बात करते हैं तो बिना गुणसूत्रों के हेरिडिटी की हम बात नहीं कर सकते हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे और मोटे धागों का रूप ले लेता है, जो क्रोमेटिन होता है, जो एक सामान्य कोशिका होती है। सामान्य कोशिका में जो हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में होता है, क्रोमेटिन धागे के रूप में होता है। लेकिन जब बात करते हैं सेल डिवीजन की, जब सेल डिवीजन होने लगता है कोशिका में, तो ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ये क्या करता है, ये इसमें कॉइलिंग होती है, इसमें सुपर कॉइलिंग होती है, और ये एक मोटे धागे का रूप ले लेता है। और जब ये मोटा धागा बन जाता है, इन मोटे धागों की एक निश्चित संख्या होती है, इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो इन्हीं धागों को ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, उसमें क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अब बात कर रहे हैं कि जिस कोशिका में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो इंटरफेज अवस्था में है, तो उसमें जो है आपका ये जो पदार्थ है वो क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं रहता है, वो जो है आपका क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतानों में जाते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, और गुणसूत्रों को ही अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो साथियों जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं, नर और मादा युग्मकों की बात करते हैं, तो वहाँ तो जो हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो डीएनए के रूप में नहीं आता है, बल्कि वो जाता है क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के रूप में। आगे बात करें, कोशिका के मध्य में गोलाकार या अंडा का रचना होती है। अब ये कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो साथियों ये होता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में। केंद्रक के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही। कोशिका के मध्य में गोलाकार या अंडा का रचना होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है, और कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, जो कोशिका के प्रबंधक के रूप में भूमिका निभाता है। तो साथियों ये केंद्रक के अंतर्गत पाया जाता है, और ये कोशिका का सबसे ऐसे महत्वपूर्ण भाग है केंद्रक, जो क्या करता है, कोशिका के प्रबंधन का काम करता है, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। केंद्रक के चार भाग होते हैं। केंद्र के कौन कौन से चार भाग हैं, उन्हीं के चार भागों में एक ऐसा भाग है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो आगे चल के मॉडिफाई होकर के गुणसूत्र बनाता है।
तो केंद्रक के चार भाग हैं, इसे केंद्रक कला, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के समान होता है जो क्रोमैटिन कहलाता है। तो साथियों, हमने जो केंद्रक के चार भागों की बात की, उन चार भागों में से एक भाग जो है ये क्रोमैटिन पदार्थ भी है हमारा। यह डीएनए जो क्रोमैटिन है किससे बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को पता होना चाहिए। यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जब हम क्रोमैटिन की बात करते हैं, जो एक धागेनुमा संरचना है जो न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, तो ये किससे बना होता है, तो क्रोमैटिन का जो कंपोजिशन होता है ये डीएनए का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। आगे चलें, अगले हम पॉइंट्स की बात करें, तो गुणसूत्र की खोज किसने की साथियों, तो गुणसूत्र की खोज के बारे में स्ट्रासबर्गर ने 1875 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया, गुणसूत्रों को खोजा। लेकिन जो हम बात करें टर्म की बात करें, जो क्रोमोसोम टर्म है, तो क्रोमोसोम टर्म दिया था 1888 मेंशन है, कहीं 1889 मेंशन है, 89, तो 1888 ज़्यादातर पुस्तकों में है, तो उसी को आप मान लीजिएगा। 1888 में वाल्डर ने क्रोमोसोम टर्म को कॉइन किया था। तो दो वैज्ञानिकों का नाम स्ट्रासबर्गर, 1875 क्रोमोसोम को खोजा, डिस्कवर किया, देखा, और लेकिन इसका जो टर्म दिया जो है क्रोमोसोम वाला, वो था वाल्डर ने दिया था 1888 में। क्रोमोसोम की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर नीचे हमने एक फिगर मेंशन किया हुआ है क्रोमोसोम की संरचना संबंधित, उसको तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ इसके संबंधित हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, तो प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव होता है। पहले फिगर को ही समझ लिया जाएगा, चलिए जैसा आप कहते हैं, तो पहले हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान, तो जो क्रोमोसोम को आप देखें तो उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक एक लिक्विड भरा रहा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम का जो ग्राउंड मटेरियल है वो क्या कहलाता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन एम कुंडल सूत्र से क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो इसके अंदर जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो धागा पाया जाता है, वो क्या है, क्रोमोनिमेटा है। फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो ग्राउंड मटेरियल होता है, इसका जो लिक्विड होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो जेलीनुमा होता है, वो कहलाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर एक द्वि कुंडलित संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है, जो तो इसके अंदर जो द्वि कुंडलित धागा होता है वो क्रोमोनिमेटा कहलाता है। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। जो अब दो होते हैं, एक जो आपका जो धागा है वो क्या है, वो आपका क्रोमेटिड है। दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बाद में इनमें मॉडिफिकेशन होगा। ये दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नामक स्थान से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं, जो आपका सिस्टर क्रोमेटिड जिन्हें आप कहेंगे, तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, तो इनका जो जंक्शन होता है, ये जो जुड़े होते हैं, ये जो बाइंड होते हैं, वो सेंट्रोमियर नामक एक स्थान से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर तीन से चार चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि इसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड भरा होता है, वो ग्राउंड मटेरियल होता है, वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर एक द्वि कुंडल धागा होता है, क्रोमोनिमेटा कहलाता है। और क्रोमोनिमेटा एक क्रोमेटिड को जो है, एक क्रोमोनिमेटा जो है एक क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करता है, और साथ साथ दोनों जो क्रोमोनिमेटा हैं जिन्हें आप सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ये एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो कुछ तीन से चार बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और गुणसूत्र की संरचना में देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर, तो तब आपको ज़्यादा ये स्पष्ट समझ में आएगा। आप देखिए इस फिगर को, गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो साथियों, इसमें मिलता है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, आप देखिए इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, अभी लिक्विड यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो मैट्रिक्स है। इसमें द्वि कुंडली धागा है, तो द्वि कुंडली धागा को उतना क्लियरली नहीं दिखाया गया, लेकिन धागा मान लीजिए ये क्रोमोनिमेटा है। इसका जो धागा होता है, ये जिसमें धागा जो आप देख रहे हो कॉइल्ड, ये है क्रोमोनिमेटा है। और साथियों, इसका जो कवरिंग होता है, जो क्रोमोसोम की कवरिंग है, उसे पेलिकल के नाम से जानते हैं। और जो धागा है, धागे में कुछ डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो क्रोमोमियर होते हैं, यही जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीन को रिप्रेजेंट करने वाला क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है साथियों, तो वो है क्रोमोमियर है। आगे चले, सेंट्रोमियर क्या है, तो सेंट्रोमियर को अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सेंट्रोमियर जहाँ पर दोनों जो धागे हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं, जो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो है आपका एक ऐसे स्थान पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए धागे जुड़े हुए हैं, तो इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये बिंदु जो है सेंट्रोमियर कहलाता है, या इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे प्राथमिक क्या कहते हैं, संकीर्णन कहते हैं। आगे बात करें और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो नीचे की तरफ देखिए, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा एक कॉन्स्ट्रक्शन और पाया जाता है, इसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जिन क्रोमोसोम में, जिन गुणसूत्रों में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, द्वितीयक संकुचन होता है, द्वितीय संकीर्णन होता है, उनमें जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें इस टाइप का एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो सैट क्रोमोसोम्स किस प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है, इसको भी आगे हम मेंशन करेंगे।
तो ये था इसका मेन इसके पार्ट्स थे। एक बार फिर इसको देख लीजिए, इसका इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो धागा है वो क्रोमोनीमेटा है, और क्रोमोनीमेटा में कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ बिंदुवत संरचनाएं होती हैं जो धागे में ऐसे डॉट डॉट बनी होती हैं, उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं। ये जीन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जीन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा भाग है? तो साथियों वो है आपका क्रोमोमियर। पेलिकल क्या है? इसका जो कवर होता है, ये जो ऊपर मेम्ब्रेन दिख रही है जो कवर किए हुए है क्रोमोसोम को, वो पेलिकल कहलाती है। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर जहाँ पर दोनों धागे जुड़े हुए होते हैं, ये बिंदु वत संरचना, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। साथियों इसके अलावा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन, एक और संकीर्णन पाया जाता है, इसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और जिन गुणसूत्रों में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है उनमें एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट नामक एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऐसे गुणसूत्रों को हम कहते हैं सैट क्रोमोसोम। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था इसका जो है मेन जो है स्ट्रक्चर्स। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे प्रोसेस में। तो सबसे पहले दिया गया है क्रोमेटिड्स के बारे में, यह अर्ध गुणसूत्र क्या है? तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज में गुणसूत्र दो लंबवत भाग एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, इनको अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं। और एनाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होने के बाद ये दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं और पुनः जो है आपका डॉटर क्रोमोसोम बनाते हैं। साथियों क्रोमेटिड क्या है? वही धागे में जो स्ट्रक्चर है वही क्रोमेटिड कहलाता है। तो हमने बताया था कि जो क्रोमोनीमेटा है द्वि कुंडल संरचना है, तो द्वि कुंडल संरचना एक जो धागा है, एक जो कुंडलन है, वो आपका एक क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्होंने बताया कि जब कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन के मेटाफेज में गुणसूत्र के जो दो लंबवत भाग हैं एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर से एनाफेज की बात करें तो ये फिर से वहाँ पर पृथक हो जाते हैं और डॉटर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बात करें जो है नेक्स्ट अगला पार्ट है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा यह धागा है, तो इंटरफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कुंडली अवस्था में दिखाई देता है, इन्हें हम उवर्ण गुणसूत्र या जो है आपका क्रोमोनीमेटा कहते हैं। तो इंटरफेज होती है, इसमें जो गुणसूत्र होता है वो कुंडलित यानी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, और इसका जो धागा जो है आपका उसे हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं, क्रोमोनीमेटा के नाम से जानते हैं। क्रोमोमियर या क्रोमोनीमेटा ही आपका आगे, इसको हम क्रोमोनीमेटा ना कह करके फिर हम इसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसे हम कह देते हैं क्रोमेटिड कह देते हैं। आगे बात करते हैं क्रोमोमियर की। तो क्रोमोमियर क्या है? तो क्रोमोनीमेटा के पर बिंदु की जैसी यानी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्वाइल्ड अत्यधिक कुंडली संरचनाएं दिखाई देती हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रोमोमियर, जो क्रोमोनीमेटा होता है, जो धागा होता है, उस धागे पर कुछ आप ज़्यादा सा जो है आपका कलर्ड पार्ट देखते हैं, ज़्यादा रंगीन भाग देते हैं। तो दरअसल जो कलर्ड पार्ट है डॉट डॉट स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, ये वास्तव में यहाँ पर कुंडलन ज़्यादा होता है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, अत्यधिक कुंडलन के कारण जो है कुछ गहरा भाग दिखाई देता है। ये साथियों आपका क्रोमोमियर होता है और ये एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका क्रोमोमियर है ये एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलें सेंट्रोमियर की बात करते हैं, गुणसूत्र बिंदु क्या है? तो क्रोमोसोम की लंबाई में एक स्थान पर यह थोड़ा सा संकरा हो जाता है। तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है, तो एक स्थान पर ये जो है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखाई देता है, संकुचित दिखाई देता है। इस भाग को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, या इसे सेंट्रोमियर के नाम से भी जाना जाता है। और सेंट्रोमियर जो है कि स्थिति के आधार पर गुणसूत्र आकेंद्रीय, इसको आगे बताएंगे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है, एक गुणसूत्र में, एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर किस पोजीशन पर है, इस आधार पर गुणसूत्र के भी कई सारे टाइप्स हैं। तो उसको हम बताएंगे कि गुणसूत्र का आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है, तो वो आपका एक्रोसेंट्रिक है कि आपका टीलोसेंट्रिक है, कि आपका फिर उसके बाद किस टाइप का है, आपका मेटासेंट्रिक है, सबमेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। ये चार जो पोजीशन है उसको आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिगर के माध्यम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये चार प्रकार की आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं काइनेटोकोर की। तो काइनेटोकोर ये जो सेंट्रोमियर होता है इसे हम काइनेटोकोर भी कह देते हैं, लेकिन काइनेटोकोर कब कहते हैं? तो गुणसूत्र बिंदु पर पाई जाने वाली प्रोटीन काइनेटोकोर कहलाता है। तो साथियों इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है जहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, तो गुणसूत्र बिंदु पर भी एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है काइनेटोकोर। और कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। तो साथियों जो सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में जो फाइबर्स बनते हैं
यानी तर्क तंतु कहते हैं, स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर आपका काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर यानी आप देखते हैं ना कि उसमें दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, एक सपोर्टिंग टाइप के, एक ट्रैक्टाइल वाले। तो जो ट्रैक्टाइल वाले होते हैं वो काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, ना कि सेंट्रोमियर से। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइनेटोकोर एक प्रकार की प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर के ऊपर डिपॉजिट होती है, पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है कि जब स्पिंडल फाइबर यानी तर्क तंतु बन जाते हैं, तो तर्क तंतु जो ट्रैक्टाइल वाले होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते, सॉरी काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन, तो कभी कभी क्या होता है कुछ गुणसूत्रों में प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा एक अन्य संग्रह भाग भी पाया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगला है सैटेलाइट क्रोमोसोम यानी अनुसंधि। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है? ऐसे गुणसूत्र जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, उनके द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर एक छोटी भुजा सैटेलाइट बन जाती है, और इन्हें ही सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। इसको हमने ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नामक भी संकीर्णन देखने को मिलता है। तो जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है साथियों, उनमें एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। और जब सैटेलाइट बन जाता है गुणसूत्रों में, तो ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे गुणसूत्रों को हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे बात करते हैं टीलोमियर की। टीलोमियर क्या है? तो साथियों, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, इसका जो आखिरी छोड़ होता है, एंड टिप होता है, इसे टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर को हमने ऊपर मेंशन नहीं किया था, आइए एक बार मेंशन कर देते हैं टीलोमियर कहाँ पर पाया जाता है। तो साथियों, ये टीलोमियर का जो पोजीशन होता है ये यहाँ पर होता है, जो इसका एपेक्स वाला पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, उसे हम टीलोमियर कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीलोमियर जो है गुणसूत्रों का जो टिप वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है, उसे टीलोमियर कहते हैं। तो ये थे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के कुछ पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। गुणसूत्रों का हम रासायनिक संगठन की बात करें, तो साथियों गुणसूत्र की जब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, गुणसूत्र मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो मेजरली दो होते हैं। कौन कौन से हैं साथियों? तो वो है डीएनए और प्रोटीन। अब बात करें तो डीएनए तो आपको सबको पता ही है, इसको हम आगे डिटेल में एक लेक्चर में कंडक्ट भी करेंगे कि डीएनए क्या है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और इससे जुड़ी एक प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? तो साथियों, इससे जुड़ी जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, जो हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम में दो मेनली आपका कंपोनेंट होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन, ऊपर हमने क्रोमेटिन की बात की थी, तो क्रोमेटिन में डीएनए और उसके बाद हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब बातें वहाँ पर मेंशन की गई थी। प्रोटीन जो है यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटीन के रूप में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक फिगर के माध्यम से इसको बाकायदे डिटेल में समझाया गया है कि एक जो क्रोमोसोम होता है इसका कैसा जो है आपका, किस टाइप से क्वाइलिंग होती है, किस किस हिसाब से मॉडिफाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए, फिगर में देखिए कि न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, क्रोमोसोम को दिखाया गया है, क्रोमोसोम के पार्ट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, टीलोमियर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पर दिखाई गई है हिस्टोन प्रोटीन कैसे कहाँ पर पाई जाती है, और बेस पेयर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है इसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार की क्षारीय प्रोटीन है, क्योंकि वो जो आपका जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उसके साथ में क्षार का होना। तो हम बात कर रहे थे हिस्टोन प्रोटीन की, जैसे कि बताया कि हिस्टोन प्रोटीन जो है आपका ये एल्कली प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रोटीन होती है। तो क्षारीय प्रोटीन का मतलब क्या है? तो साथियों, जैसे कि आपको बताया कि इसकी कंपोजिशन में भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि डीएनए होता है प्लस प्रोटीन, प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। तो साथियों, जो डीएनए है वो तो एसिडिक नेचर का है, तो उसके साथ क्षारीय जो प्रोटीन इसके साथ कंपोजिट हो जाती है, तो ये इसको इस्टेब्लिश कर देता है, अम्लता और क्षारता जब साथ में आ जाती हैं तो उसको जो है अस्थायित्व प्रदान कर देता है। तो ये क्षारीय प्रोटीन होती है, इसमें लाइसिन एवं अर्जिनिन एमिनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो जो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें लाइसिन और अर्जिनिन जो एमिनो एसिड हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को उलझने से रोकता है। तो इसका जो काम क्या है? तो ये डीएनए को उलझने से रोकता है साथ ही, और डीएनए को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसका मेन जो काम है इसको याद रखिए, यहाँ पर इसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं आप, कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए को उलझने से रोकते हैं और साथ साथ डीएनए को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है। इसके अलावा हिस्टोन जो है जीन विनिमय और डीएनए प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करती है। तो हिस्टोन का और भी काम ये होता है कि आपका जब क्रॉसिंग ओवर होने लगता है और साथ साथ डीएनए का जो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होने लगता है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले होता है वहाँ पर भी।
हिस्टोन के बिना गुणसूत्रों में अवांछित डीएनए बहुत लंबा हो जाता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनमें डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को उलझने से इसको कंट्रोल करने का काम करती है और साथ साथ इससे होने वाले नुकसान को भी जो है बचाती है। हिस्टोन प्रोटीन जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर में और साथ साथ डीएनए के डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के कुछ फंक्शन है। इसमें लाइसिन और अर्जिनिन नामक जो एमिनो एसिड है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन है। इसमें लाइसिन और अर्जिनिन नामक एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को उलझने से रोकती है, इसको होने वाले नुकसान से बचाती है और साथ साथ जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर और डीएनए के रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हिस्टोन के बिना गुणसूत्रों में अवांछित डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इन सब बातों को आप याद कर लीजिए। अब हिस्टोन प्रोटीन के हम टाइप्स की बात करें तो साथियों इसके पांच प्रकार हैं। H1, H2A, H2B, H1 हो गया, H2A, H2B, तो H1 हो गया एक पहला। अब H2 की बात करें तो H2 में दो टाइप हैं, H2A और H2B, ठीक है, H2A और H2B, ये तीन हो गए। और अगला है आपका H3 और H4। तो इम्पॉर्टेंट, तो मतलब याद करना आसान है। H क्या है? हिस्टोन है। हिस्टोन एक यानी H1। हिस्टोन दो में दो है टाइप है। हिस्टोन आपका 2A और हिस्टोन 2B, तो 2A 2B हो गया। उसके बाद H3 और H4, तो आसान है याद करना, पांच हो गए। इनमें से जो H2A है, H2B, H3 और H4, यानी H1 को छोड़ करके H2A और H2B और H3 और H4, पहले वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे शेष चार, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक हिस्टोन ऑक्टामेयर का निर्माण करते हैं और इसे कोर पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये दो दो के मॉलिक्यूल्स जुड़ करके यानी आपका एक आठ अणु वाली एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामेयर कहते हैं। इसे हिस्टोन ऑक्टामेयर यानी हिस्टोन अष्टक के नाम से जानते हैं। तो हिस्टोन अष्टक क्या है? तो साथियों H2A, H2B, H3 और H4, ये सब चारों जो है मिलकर के, इनके दो दो अणु मिलकर के एक आठ अणुओं की एक संरचना बनाते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टामेयर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम हिस्टोन अष्टक कहते हैं या इन्हें कोर पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोसोम क्या है। तो ये एक अणुओं की संरचना होती है जो क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है। तो हिस्टोन अष्टक के साथ डीएनए की लगभग दो कुंडली तथा एच वन हिस्टोन जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो क्या है जो हिस्टोन है, हिस्टोन की जो ऑक्टामियर जो स्ट्रक्चर है, ऑक्टामियर स्ट्रक्चर का मतलब H2A, H2B, H3 और H4, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक ऑक्टामियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके साथ में जब H1 जुड़ जाता है तो इन सब के जुड़ने से एक संरचना का निर्माण होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम ऊपर मेंशन है, न्यूक्लियोसोम देखिए यहाँ पर एक जो फिगर हमने मेंशन किया हुआ है उसमें न्यूक्लियोसोम के बारे में मेंशन है, शायद न्यूक्लियोसोम मेंशन है यहाँ पर, नहीं दिखाया है इन्होंने न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? तो न्यूक्लियोसोम में हमने बताया कि ये जो आपका जो चार प्रोटीन है जो एक अष्टक संरचना बनाती है, इनके साथ में जब H1 जुड़ जाता है तो एक जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग की बुनियादी संरचना होती है। तो डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं तो डीएनए पैकेजिंग की स्टार्टिंग यहीं से न्यूक्लियोसोम से होती है। और कोशिका केंद्र के भीतर फिट होने के लिए डीएनए का न्यूक्लियोसोम में संग्रहित होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए लंबा स्ट्रैंड होता है और उसकी पैकेजिंग नहीं होगी ना तो वो फिर जो है उसमें सेल में जो है वो कह सकते हैं कि उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो एडजस्ट करने के लिए सेल में डीएनए को उसका पैकेजिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पैकेजिंग की जो बुनियादी अवस्था होती है वो न्यूक्लियोसोम होती है, जिसमें कि चार की संख्या में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं, सॉरी स्टोन प्रोटीन होते हैं, इसमें H2A, H2B, H3 और H4 और एक H1 मिलकर के न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाती है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर क्या है? तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर डीएनए की पैकेजिंग का बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, इसका बुनियादी संरचना होती है। आगे बात करते हैं लगभग छः न्यूक्लियोसोम, जब इस टाइप से जब छः न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? उनसे एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनती है। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इन चार अणुओं के आपका जो हिस्टोन प्रोटीन के हैं H2B, H2A, H2B, H3 और H4 और प्लस H1, ये सब मिलकर के ही न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और जब छः न्यूक्लियोसोम आपस में मिल जाते हैं, छः न्यूक्लियोसोम के मिलने से कौन सी संरचना बनती है? तो साथियों इनसे बनती है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनती है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। तो छः न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर के सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सोलेनॉइड की अवधारणा अब आउट क्या है आउडेट के द्वारा दी गई थी और न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप कोर्नबर्ग तथा थॉमस के द्वारा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिए। जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, न्यूक्लियोसोम को कॉर्नबर्ग ने और थॉमस के द्वारा जो है इसको क्वाइंड किया गया था, इसको प्रपोज्ड किया गया था। लेकिन हम बात करें सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की, तो इसको जो है क्वाइंड किया था किसने? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को जो है
इनकी अवधारणा थी वो आउडेट के द्वारा दी गई थी, आउडेट के द्वारा। तो इनको याद कर लीजिए, ये साइंटिस्ट के नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली स्ट्रक्चर देते हैं, गुणसूत्रों की आकृति की बात करते हैं। तो साथियों, गुणसूत्रों को हमने बताया कि जो सेंट्रोमेर होता है, जो उसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर कि ये क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों में उसकी पोजीशन क्या है। तो उस बेस पर जो है ये अलग अलग शेप बना देते हैं, अलग अलग संरचनाएं बना देते हैं गुणसूत्र। तो आइए इसको हम देखते हैं। इस बेस पे चार शेप बन जाती हैं, चार आकृतियाँ बन जाती हैं। तो जैसे पहले इन्होंने दिया है आपका, थोड़ा सा इन्होंने सिक्वेंसली नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं टीलोसेंट्रिक, इन्होंने ऊपर से लिखा हुआ है। तो टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं, तो टीलोसेंट्रिक में इनका जो सेंट्रोपियर होता है वो सेंट्रोपियर एकदम टिप पे पाया जाता है। तो ये जो है आपका आई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो संरचना होती है वो आई स्ट्रक्चर होती है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में इनकी स्ट्रक्चर होती है जे शेप की लगभग। और जो सबमेटासेंट्रिक है, सबमेटासेंट्रिक में जो है आपका इनकी जो स्ट्रक्चर होती है साथियों, वो होती है एल शेप की। और एक और है इसमें जो है, आगे चलते हैं, और वो आपका मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वी शेप होती है। तो चार शेप याद हो आपको, क्लियर हो गए, वी शेप जो है आपका मेटासेंट्रिक में, सबमेटासेंट्रिक में एल शेप, और जे आपका जो शेप होता है वो आपका होता है एक्रोसेंट्रिक में, और टीलोसेंट्रिक में होता है आई शेप। तो ये आपका ये चार शेप देखने को मिलते हैं इसमें, इनको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। तो गुणसूत्रों की आकृति क्या है, तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, तो क्रोमोसोम में जो है आपका सेंट्रोमियर कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी स्थिति और क्रोमोसोमल आर्म की लंबाई के आधार पर गुणसूत्रों को चार समूह में बांटा गया है। तो हमने चारों के नाम आपको बता दिया, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आई शेप, एक्रोसेंट्रिक में जे शेप, सबमेटासेंट्रिक में आपका एल शेप, और आपका मेटासेंट्रिक में आपका वी शेप। ये चार शेप हो गए। अब इसको डिटेल में इन्होंने मेंशन किया हुआ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है। तो साथियों, जिनमें जो सेंट्रोमियर होता है, जिनमें उसकी लोकेशन जो है एकदम टिप पर होती है, तो ऐसे हम क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोमियर पे जब लोकेटेड होता है सेंट्रोमियर, तब उसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्या है हमें इस पैसेज में। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र विधि यानी सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंतिम सिरे यानी टिप पर स्थित होता है, और इस प्रकार के गुणसूत्र कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में आई आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि आई इनकी स्ट्रक्चर होती है, आई संरचना होती है। और इन गुणसूत्रों में केवल एक ही गुणसूत्र भुजा, हाँ, चूँकि अब एक टिप पे होता है, तो टिप की वजह से जो है इनमें केवल एक ही आर्म दिखाई देती है, केवल एक ही भुजा दिखाई देती है, एक क्रोमोसोमल आर्म होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम में, इस प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत दुर्लभ देखने को मिलते हैं, और इन्हें बहुत कम प्रजातियों में देखा गया है। तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम है टीलोसेंट्रिक, जिनमें कि टिप पर सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर टिप पर होने के कारण ये आई शेप को क्रिएट कर देते हैं, आई संरचना आ जाती है, और इसको हम एनाफेज में आसानी से देख सकते हैं आई शेप में। और इन क्रोमोसोम में केवल एक क्रोमोसोमल आर्म होती है, बहुत रेयर दिखाई देते हैं और बहुत कम प्रजातियों में मिलते हैं। आगे बात करें हम अगले जो है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें, तो साथियों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो टिप से जस्ट पहले लोकेटेड होता है। तो एक तो बहुत बड़ी आर्म हो जाती है, एक बहुत छोटी आर्म हो जाती है। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक छोर पर इस तरीके से स्थित होता है कि इसकी एक बहुत ही छोटी भुजा यानी पी आर्म और एक असाधारण लंबी भुजा क्यू आर्म हो जाती है। तो कहने का मतलब वही है कि ये टिप के पास स्थित होता है, टिप के पास स्थित होने के कारण एक भुजा बहुत ज़्यादा छोटी, दूसरी भुजा बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में ये जे आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। तो मेटाफेज में आप इन्हें जे शेप में देख सकते हो आसानी से। टिड्डियों के कुल जो एक्रिडिडी हैं, एक्रिडिडी में ऐसे गुणसूत्रों को देखा गया है जिनका नाम ऐसे गुणसूत्रों को देखा गया है। तो इनको टिड्डियों का जो लोकस्ट का जो ऑर्डर है, लोकस्ट का जो फैमिली है एक्रिडिडी फैमिली में इस प्रकार के यानी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को देखा गया है। तो ये मान्यता है एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है एक्रिडिडी फैमिली में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका इंसेक्ट का एक फैमिली है, लोकस्ट फैमिली से कहते हैं। तो इनमें एक्रोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोमों को देखा गया है, गुणसूत्रों को देखा गया है। और आगे बताया गया है कि सभी जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें कि एक बहुत बड़ी भुजा और एक बहुत छोटी आर्म होती है, ऐसे जो है क्रोमोसोम साइड क्रोमोसोम भी होते हैं। तो साइड क्रोमोसोम क्या है, साइड क्रोमोसोम के बारे में हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी एक बार फिर से बता दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस बात को हमने ऊपर दो बार तीन बार मेंशन किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फिर से रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं मानव में गुणसूत्र संख्या जो 13, 15, 21 और 22 ऐसे ही गुणसूत्र होते हैं, किस टाइप के गुणसूत्र, एक्रोसेंट्रिक वाले। तो ये भी बात याद करने वाली है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 15 नंबर, 21 और 22 नंबर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं किस टाइप के होते हैं साथियों, तो वो होते हैं एक्रोसेंट्रिक टाइप के।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है जो हमने सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हम चार शेप हमने बताया, तो ये वी शेप है साथियों, ये है आपका जे शेप है, और ये एल शेप है, और ये है आपका वी शेप, ठीक है। ये वाला पहला जो है आपका टीलोसेंट्रिक, ये आपका आई शेप है, सॉरी ये आई शेप है, ये आपका जे शेप है, ये एल शेप है, और ये है आपका वी शेप। तो जब ये किस फेस में दिखाई देते हैं वो आपको हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, कुछ मेटाफेज में, कुछ आपका जो है आपका एनाफेज में दिखाई देते हैं। इन्हीं दोनों फेज में, मेटाफेज में एनाफेज में ही इनकी अलग अलग पोजीशन दिखाई देती है। तो हमने बताया था कुछ मेटाफेज में है और कुछ एनाफेज में इनकी लोकेशन दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, अगले हम सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करते हैं। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? तो साथियों सेंट्रोमियर क्रोमोसोम या इसमें जो है जो सेंट्रोमियर की जो लोकेशन होती है वो एकदम सेंटर में तो नहीं होती है, लेकिन सेंटर के जस्ट थोड़ा सा जो है पास में होती है। तो कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के केंद्र या मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है, और इसमें दो असमान भुजाएं बन जाती हैं, एक थोड़ी सी छोटी एक थोड़ी सी बड़ी, इस टाइप से बन जाती है। तो एक भुजा छोटी और दूसरी भुजा जो होती है आर्म होती है वो बड़ी होती है। सबमेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में एल आकार की रचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, दो जो है आपका, पहले हमने जो बात की जो है आपका एक्रोसेंट्रिक की, तो एक्रोसेंट्रिक जो है सॉरी टीलोसेंट्रिक की, टीलोसेंट्रिक हमको जो है आपका एनाफेज में, उसके बाद हमने बात की जो है एक्रोसेंट्रिक की वो मेटाफेज में, और ये फिर से एनाफेज में दिखाई दे रहा है। तो उसको याद रखिएगा, दो एनाफेज हो गए और वो का मेटाफेज था। मेटाफेज में किसको हमने देखा? एक्रोसेंट्रिक को। एनाफेज में कौन दिखाई दिया? एनाफेज में आपका टीलोसेंट्रिक और आपका ये सबमेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक आपका जो है वो आई शेप में, ये एल शेप में, और वो जो आपका एक्रोसेंट्रिक वो था आपका जे शेप में। तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले जो है आपका मानव गुणसूत्र के, अधिकांश जो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, तो मानव में जो क्रोमोसोम अधिकांश होते हैं वो सबमेटासेंट्रिक टाइप के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली, इसको भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्रोमोसोम, मानव के जो क्रोमोसोम है अधिकांशतः किस नेचर वाले होते हैं, किस टाइप वाले, किस शेप वाले होते हैं? सबमेटासेंट्रिक टाइप के होते हैं, एल शेप वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। तो गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, मध्य पाया जाता है, और मध्य पाए जाने के कारण इनका आकार जो है आपका वी शेप का हो जाता है, और इस प्रकार के गुणसूत्रों के दो बराबर भुजाएं हो जाती हैं, इनकी पी और क्यू जो आर्म होती हैं वो दोनों के दोनों बराबर होती हैं। मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका विभाजन के एनाफेज में वी आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। तो एनाफेज में तीन दिखाई दिया, एक मेटाफेज में। मेटाफेज में कौन दिखाई दिया? एक्रोसेंट्रिक वाला। बाकी जो तीन थे वो सब किस में दिखाई दिए? एनाफेज में दिखाई दिए। तो वी आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, और इन गुणसूत्रों को एक आदिम प्रकार का प्रिमिटिव टाइप का गुणसूत्र माना जाता है, जो प्रोक्रियोट्स में पाया जाता है। उभयचर में मानव के गुणसूत्र एक और तीन, मानव में जो क्रोमोसोम नंबर है आपका 1 और 3 जो है आपका, ये मेटासेंट्रिक टाइप के हैं, इसको याद कर लीजिए। मानव में पहले नंबर का और तीसरे नंबर का अधिकांशतः आपका एल शेप वाले होते हैं। उसके पहले हमने बताया एक्रोसेंट्रिक के बारे में, एक्रोसेंट्रिक में आपके कौन कौन से हैं उसको भी आप याद कर लीजिएगा, 13, 15 जो भी, 17, 21, 23 जो भी हों उनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम की, गुणसूत्रों के प्रकार की। तो साथियों चार प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, वैसे मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं, दूसरे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली दो और इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से चार प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। तो साथियों गुणसूत्रों की जो चार प्रकार हैं वो है आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और एसेसरी क्रोमोसोम, और लास्टली आपके जीएंड क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या हैं? तो जो क्रोमोसोम की कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करता है उन्हें ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। तो यह लिंग से संबंधित लक्षणों को छोड़कर सभी प्रकार के कायिक लक्षणों को निर्धारित करता है। इनकी संख्या मानव में ओके हमने बताया था सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो सेक्स क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल में जो लास्ट वाला जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और उसके पहले जो है आपका जो भी संख्या होती है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कंसीडर किया। जैसे मानव में होते हैं 46 गुणसूत्र, 2n इज इक्वल आपका 46 लिखते हैं, तो यानी आपका हो गया 46 गुणसूत्र। और पेयर की बात करें तो इसमें 23 पेयर हो जाएंगे, 23rd पेयर हो जाएंगे। 23rd पेयर में जो 22 जो पेयर हैं, 22 का मतलब 22 जोड़ी का मतलब आपका 22 को गुणा कर देंगे 200 तो हो जाएगा 44। तो इसमें जो 44 जो है आपका ये ऑटोसोमल है, और प्लस जो लास्ट वाला जो पेयर बचा वो है आपके सेक्स क्रोमोसोम। तब इसको आप समझ गए होंगे। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम उनके सोमेटिक सिम्टम्स को कंसिडर करते हैं, सोमेटिक सिम्टम्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, दूसरा वाला जो टाइप है, तो ये लिंग का निर्धारण करने वाले जो है क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या दो होती है, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना जरूरी है।
आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के हम क्रोमोसोम की, वो है आपका एसेसरी क्रोमोसोम। ये किस प्रकार का क्रोमोसोम है? इन गुणसूत्रों में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें गुणसूत्र बिंदु नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये गुणसूत्रों के क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वास्तव में क्रोमोसोम है नहीं, लेकिन इनको क्रोमोसोम मान लिया जाता है, तो एसेसरी क्रोमोसोम कह दिया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया? इनमें सेंट्रोमियर नहीं होता है, गुणसूत्र बिंदु नहीं पाता है, सहायक गुणसूत्र अर्धगुणसूत्र विभाजन में भाग नहीं लेते हैं, ये आपका मियोसिस विभाजन में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इनकी खोज विल्सन द्वारा की गई थी, मनुष्य में लगभग 1500 में लगभग एक व्यक्ति में एक सहायक गुणसूत्र होता है, तो बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत कम संख्या होती है, 1500 व्यक्तियों में मनुष्य में एक व्यक्ति में सहायक क्रोमोसोम यानी आपका एसेसरी क्रोमोसोम देखा जाता है। इनमें से कुछ मानसिक या शारीरिक असमानताओं यानी मेंटल या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज से जुड़े होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। एसेसरी क्रोमोसोम वास्तव में कोई क्रोमोसोम नहीं है, इनमें सेंट्रोम में नहीं पाया जाता है, ये गुणसूत्रों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको खोजा था विल्सन ने, और मनुष्यों में लगभग 1500 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में इस प्रकार के सहायक क्रोमोसोम देखे गए हैं। इनके द्वारा कुछ मानसिक या शारीरिक जो है असमानताएँ देखने को मिल सकती हैं। अब लास्ट जो टाइप है वो है आपका विशालकाय गुणसूत्र या जीएंट क्रोमोसोम। जीएंट क्रोमोसोम की दो कैटेगरी हैं साथियों, वो है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम और आपका लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। बस थोड़ा सा याद रख लीजिए पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है और लैम्ब्रोस क्रोमोसोम क्या है, इसको हम डिटेल में एक अलग जो है चैप्टर में इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम को जीएंट क्रोमोसोम को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं, इसलिए जीएंट क्रोमोसोम क्या होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है और लैम्ब्रोस क्रोमोसोम क्या है, इसको हम एक अलग से चैप्टर में लेकर के बाकी में विद डायग्राम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है। तो साथियों इसकी खोज की थी बालबियानी ने, और इसे जो खोजा था इन्होंने आपका डिप्टेरा के कीटों की लार्वा की लार ग्रंथियों में खोजा था, तो इन्हें स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र कोलर द्वारा जो है, जो पॉलीटीन जो आपका गुणसूत्र जो टर्म है इसको कोलर ने दिया था। इनमें कई क्रोमोनिमा होते हैं इसलिए इसको हम पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। इनमें जो क्रोमोनिमा की बात करें, जो इनमें जो थ्रेड होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, बहुत सारे सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए जिसे हम इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। आगे बात करें इसके कई क्रोमोनिमा क्रोमोमियर से जुड़े होते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमा में पफ क्षेत्र और गैर पफ क्षेत्र होता है, पफ रीजन और नॉन पफ रीजन, तो ये सब क्या होते हैं, इन सबको बालबियानी रिंग्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी इसको हम ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। पफ क्षेत्र क्या होते हैं, बालबियानी रिंग्स क्या हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबको हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना भी याद रखिए कि जो आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम है डिप्टेरा जो आपका जो ऑर्डर है इंसेक्ट का, उनकी स्लेवरी ग्लैंड में देखा गया है और इसको खोजा था बालबियानी ने खोजा था। इसमें बालबियानी या पफ रिंग्स पाए जाते हैं और साथ साथ ही इनमें बहुत सारे जो है क्रोमोनिमा मिल करके इसको संरचना को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम की बात करें तो उसको लैम्ब्रोस क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है वो जो लैम्ब को साफ करने वाला जो ब्रश होता है उस टाइप से होता है, इसलिए इसको हम लैम्ब्रोस कहते हैं। और साथियों जो है इन गुणसूत्रों का मुख्य केंद्रीय भाग होता है कुछ डीएनए का तथा लूप जो होता है डीएनए और आरएनए का बना होता है। तो इसमें देखिए तो उसमें कुछ इसका सेंट्रल वाला पार्ट होता है, कुछ इससे लगे हुए लूप होते हैं, तो जो लूप होते हैं डीएनए और आरएनए के बने होते हैं और जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो डीएनए का बना होता है। इसकी खोज की थी रिकेट ने, तो रिकेट ने खोजा था, इसको भी आप याद रखिएगा। रिकेट ने इसको खोजा गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। रिकेट के द्वारा खोजा गया था, इसको आप याद रखिए, वैज्ञानिक का नाम रिकेट। लैम्ब्रोस गुणसूत्र स्तनधारियों को छोड़कर के अधिकांश जानवरों के ओ साइट में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वर्टिब्रेट्स को छोड़कर के, कुछ मैमल्स को छोड़कर के अधिकांश जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अधिकांश जो आपके कशेरुकी होते हैं उनकी जो ओ साइट्स होते हैं, ओ साइट का मतलब अंडे जो कोशिका होती है उसमें जो है इनको देखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे शार्क हो गया, उभयचर सरीसृप और पक्षियों के प्राथमिक अंडक यानी ओ साइट में अर्ध सूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में इनको देखा गया है। और ये अंडों योग के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें एक मुख्य अक्ष होता है, इसमें डीएनए प्रोटीन के दो क्रोमोनिमा होते हैं। अभी यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक नए लेक्चर में जानेंगे। तो ये थे क्रोमोसोम से संबंधित कुछ बातें, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और साथ साथ क्रोमोनिम्स के टाइप्स कौन कौन से पाए जाते हैं। साथियों ये सब कुछ मेन बातों को हमने यहाँ पर आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। लेक्चर आपको कैसा लगा अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।